प्रेम मंदिर ये नाम क्यों? प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, यातेयाय नाम प्रेम मंदिर धराया। जगत गुरु गुरु श्री कृपालु महाराज जी के द्वारा प्रेम मंदिर का विलक्षण नाम और उसका रहस्य। भगवान के अधीन सब कुछ है, परंतु वेदों ने बताया है कि भगवान भक्तों के प्रेम के अधीन है। इसीलिए भगवान से भी जो बड़ा है और भगवान सदा जिसके अधीन रहते हैं, उसे प्रेम तत्व का नाम कहा गया है। इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर रखा गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स इजी ऑफिशियल, एंड वेलकम बैक टू अनदर इजी ट्रैवल वीडियो। ये पार्ट 4 है हमारे मथुरा वृंदावन सीरीज का। आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्रेम मंदिर वृंदावन में, जो कि एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिरों में से एक है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे इस वीडियो में जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब जो एक्चुअली आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं उसके सामने, एक बहुत ही मीडियोकर फोन से बनाया हुआ ये क्लिप आप देख रहे हैं। कोशिश है मेरी कि क्या वहाँ का एक्चुअल जो फ्लो है वो आपको बता पाऊँ, क्या फील है वहाँ के एक एक कण कण में वो आपको दिखा पाऊँ। तो आइए मंदिर के बारे में जुड़ी कुछ घटनाएं और कथाएं आपको बताती हूँ। इस स्वर्ग से सुंदर मंदिर का जो शिलान्यास है, वो वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि के मध्य वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी के द्वारा हुआ है, उनके पावन कर कमलों के द्वारा। ये हुआ था जगत गुरु दिवस पर, यानी कि मकर संक्रांति, दिनांक 14 जनवरी 2001 को। इस पूरे मंदिर को बनने में करीब 11 साल लगे हैं। ये जो मंदिर है, ये 54 एकड़ की पूरी इसकी प्रमाइसिस है जिसमें ये फैला हुआ है। लगभग 100 करोड़ रुपए का जो खर्च था वो इस मंदिर को बनाने में आया है। 30,000 टन इटालियन मार्बल से ये मंदिर बना हुआ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 1,000 शिल्पकारों ने मिलकर इसे तैयार किया है। मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु महाराज जी ने ही किया था, और इस मंदिर की वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को दर्शाया गया है। सभी वर्ण, जाति और देश के लोगों के लिए ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। इस मंदिर के दरवाजे जो हैं, वो सभी चारों ही दिशाओं में खुलते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग है वो डेली सुबह 8:30 से 12:30 बजे दिन में रहता है, फिर बीच में बंद हो जाता है मंदिर। शाम को 4:30 से 8:30 तक आप वहाँ जा सकते हैं। शाम को बल्कि यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी बहुत थोड़ी सी ग्लिम्स में आप साथ शेयर करूंगी अभी इसी वीडियो में। हालांकि जितना खूबसूरत ये मंदिर है और इतना अच्छा लगता है वहां जाकर आपको, तो जो एक्सपेक्टेशन का बार है लाइट एंड साउंड शो के लिए, वो बहुत हाई सेट हो गया था हमारा। उतना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, उतना मुझे अट्रैक्टिव या बहुत कुछ डिफरेंट नहीं लगा वो लाइट एंड साउंड शो। ये वीडियो अगर जो कमिटी मेंबर्स हैं उन तक पहुंच जाए, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय सजेशन कि थोड़ा बहुत हम जो लाइट एंड साउंड शो है, अगर उसे आप इम्प्रूव करें तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो लाइट एंड साउंड शो भी ज़रूर अटेंड करिएगा। 8:30 बजे तक का टाइम रहता है, फिर मंदिर जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा टाइम लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है और हर चीज़ वहाँ पर एक एक कोना देखने लायक है। सो ज़रूर जब भी आप जाएं, टाइम लेकर जाइए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डीपली वहाँ पर एक्सपीरियंस करिए, लाइट एंड साउंड शो देखिए। और इस मंदिर से जुड़ी ही कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो मैंने अब तक देखा है हमारे हिंदू धर्म में या बाकी धर्म में भी, कहीं ना कहीं पर एक दान पात्र या गुप्त दान पेटी या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन इस मंदिर में मैंने काफ़ी एरिया इस मंदिर का देखा, कहीं पर भी मुझे कोई दान पात्र या कहीं पर गुप्त दान करने के लिए कुछ भी डोनेशन बॉक्स टाइप का नहीं दिखा, विच वॉज स्ट्रेंज। और एक अच्छा भी लगा कि सभी जगहों की तरह यहाँ पर उस तरीके से भीड़ नहीं मच रही है कि दान आप दीजिए। और इसी के साथ में जो क्लीनिनेस थी, पूरा मंदिर इतना साफ सुथरा, सिर्फ मंदिर ही नहीं, यूजुअली जब इस तरीके की इतनी ह्यूज गैदरिंग होती है तो जो सैनिटेशन होता है, आपके जो वॉशरूम्स होते हैं, वो उतने साफ आपको नहीं मिलते हैं, उतने क्या ज़रा भी साफ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, सब कुछ नीट एंड क्लीन था। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल।
दिन, क्योंकि वृंदावन अगर आप जा रहे हैं तो आप जितने दिनों के लिए भी चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको वो दिन कम ही पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही हुआ, अगर और टाइम होता हमारे पास तो हम ज़रूर वहाँ पर रिपीट जाते। और इसी के साथ मंदिर का जो ये अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं और पूरे ही मंदिर में जो बाहरी पूरे दीवारें हैं उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं से उसे सजाया गया है। एक एक मूर्ति ऐसी लगती है जो बिल्कुल जीवंत मूर्ति होगी, ऐसा लगेगा अभी बात करने लगेंगी ये मूर्तियाँ, और हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं रखी है, कोई एक्चुअल ही लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी ज़रूर ये जाएं, एक्सपीरियंस करें। बहुत सारी जगह पर मंदिर में जहाँ जहाँ शूट करना या पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं था वहाँ मैंने नहीं किया है, बाकी जहाँ अलाउड था वो सब शूट किया है आप लोगों के लिए। तो आप ज़रूर इसे देखिए, इंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस इसी सीरीज़ में अभी मैं ऐड करते जाऊंगी, जिसमें मथुरा वृंदावन की अभी बहुत सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर हम करेंगे, फिर वहाँ की ईट्रीज हम एक्सप्लोर करेंगे। इसी के साथ में ना डूज एंड डोंट्स, जो एक्चुअली आप अगर मथुरा वृंदावन का ट्रिप कर रहे हैं तो ये इन वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी है डूज एंड डोंट्स, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आइए साथ में देखते हैं ये लाइट एंड साउंड शो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट में राधे राधे कह के ज़रूर जाना। श्री राधा कृष्ण शरणन एक बाधा, श्री राधा कृष्ण शरणन एक बाधा, कृपालु सरकार कृष्ण अरु राधा, कृपालु सरकार।